यूपी के जनपद बरेली के नवाबगंज में भारतीय जनता पार्टी के नेता व श्रम सलाहकार समिति के सदस्य भुजेंद्र गंगवार के नेतृत्व में आज भाजपाई ग्राम ठिरिया बन्नोजान के सुरेश गंगवार से मिलने पहुंचे। सुरेश गंगवार ने धमकी दी थी कि वे 10 जून को पूरे परिवार के साथ इस्लाम धर्म स्वीकार कर धर्म परिवर्तन कर लेंगे। ग्राम ठिरिया बन्नोजान पहुंचकर भाजपाइयों ने सुरेश गंगवार से उनकी समस्याओं पर चर्चा की तथा उन्हें आश्वासन दिया कि हिंदू समाज व भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार से धमकी देने वाले ग्रामीण सुरेश गंगवार की बात भी कराई। भाजपाइयों की सक्रियता व आश्वासन के बाद सुरेश गंगवार ने घोषणा की कि वह धर्म परिवर्तन करने की अपनी घोषणा वापस लेते हैं। भुजेंद्र गंगवार के साथ नगर भाजपा अध्यक्ष श्याम रस्तोगी, मिशन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राकेश गंगवार, ग्राम प्रधान लाला राम कश्यप, बड़े गांव के प्रधान लोकतम आदि मौजूद रहे। हम उस पर तो लिखा है कि मुस्लिम धर्म के लिए हम ईसाई भी बन सकते हैं, सिख भी बन सकते हैं। तो आप हिंदू धर्म छोड़ के क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं, अभी बोर्ड जिस दिन बोर्ड खुले थे, संकट डॉक्टर का लड़का जी, तो हमारी बच्चों से हुज्जतबाजी हो गई थी, बोले कुत्तों हमारी हवा उड़ाई, तो इस पीरियड में मानने भैया चढ़ाई करी आगे आपके मकान तक। हाँ अच्छा, हम घर पर नहीं थे। अच्छा, और आज भी जो पंचायत जुड़ी थी तो लड़की हमारी कुछ कह दी तो लड़की हमारा कह रहा था मुँह पर चप्पल मारूंगी। वो ये कौन कह रहा था? वो कपिल। कपिल कौन? कपिल है, संकट डॉक्टर लड़का। अच्छा, वो क्यों ऐसी बातें कर रहा है आपसे? वो लड़की ने कोई बात कह दी होगी, इसकी मम्मी गई होगी वहाँ, बोले तुम चलो यहाँ तक, हम बैठे थे वहाँ, तो इसने भी कह दिया। जो उस समय कहाँ गए सब कुर्मी, आज ये कुर्मी सब इकट्ठे हो रहे हैं हमारे विरोध, तो उनने कुछ बात कह दी होगी। तो हमारी लड़की से कह रहा था कि तेरे मुँह पर चप्पल मारूंगी, यहाँ से ले जा, पूरी समाज के सामने कह रहा था। अच्छा, ये इतना बड़ा जो फैसला आपने लिया, ये किसी न किसी वजह से या समाज की वजह से या समाज ने आपको कहीं ना कहीं छोड़ा होगा? समाज ने बिल्कुल हमें नकार दिया। कैसे? ना हमसे कोई बोलता है, ना चलता है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ना हमारे यहाँ आना ना जाना कोई मतलब नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चुनाव आप इससे पहले भी पूर्व में लड़े थे कभी? चुनाव 2010 में लड़े थे, तो मेरे वोट पड़े थे 2625। अच्छा अच्छा, जब मैं पहली बार किसी को जानता ही नहीं था, बाहर रहता था। तो कितने मतों से आप पहली बार आ रहे थे? ऐसे ही आ रहे थे 225 वोटों से। अच्छा, दूसरे नंबर पर रहे थे। अच्छा, फिर दूसरी बार 2010 में? 2010 में इन्हीं घर वालों ने मना कर दिया, बोले अली अपनी कश्यप को लड़ा दो, अपनी तुम मन लड़ो। अच्छा, हमारा भी स्वास्थ्य थोड़ा सही भी नहीं था। अच्छा, तो हम मान गए थे, बोले अब की साल तुम्हें लड़ा देंगे। तो अब की हमने प्रयास करा, सब लोगों को 3-4 बार हमने अपने परिवार में इकट्ठा करा, सब लोगों ने कहा हाँ ठीक है लड़ाएंगे, और आयन मौके पाके इन लोगों ने हमारी ऐसी हवा उड़ाई कि वो बैठ गए, वो फारूक से मिल गए जाके, ये करा वो करा है। अच्छा, तो पैसा वैसा ले लिया, ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई। इस बार आपको कितने मत मिले? 43 मात्र। इसका मतलब देखो, इसका मतलब आपके परिवार ने, खानदान ने, हाँ, किसी ने साथ नहीं दिया। अच्छा, इसी वजह से आप? इसी वजह से कि जब हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, तो हम भी दूसरे समाज को अपनाएंगे। अच्छा, हम पर कोई जोर दबाव नहीं पीछे का। अच्छा अच्छा, आप अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं? हाँ, स्वेच्छा जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि हिंदू समाज के लोग हमारी आसपास के कहीं मदद, हमारी हेल्प नहीं है। अच्छा, हेल्प नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आप ये? हम अपनी मर्जी धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक ठीक, आज हम लोग को जानकारी मिली कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता श्री सुरेश गंगवार जी निवासी ठिरिया बन्नोजान धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाने की बात सोशल मीडिया पर प्रचारित हुई। उसके बाद हम लोग यहाँ इनके पास आए, इनसे आग्रह करने कि भाई ऐसा काम मत करो, पूरे समाज की बदनामी होगी। इन्होंने अपनी परेशानियाँ हम लोग के बीच रखी हैं और यहाँ सारा समाज, गांव के प्रधान जी और सभी लोग इनके परिवार के मौजूद हैं। हम लोग के समझाने के बाद आपने निर्णय करा है अभी कि जे अपने जो इन्होंने सुबह बयान दिया था सोशल मीडिया में कि दूसरे धर्म को पलायन कर जाएंगे, उस निर्णय को इन्होंने स्थगित कर दिया है और हमारी बात को माना है, इसलिए हम इनका धन्यवाद देते हैं। और जो अपने पूर्व हिंदू धर्म में ही वापस रहेंगे, ऐसा इनका कहना है, तो मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हमारी बात को रखा। हमारे साथ नगर अध्यक्ष नवाबगंज
श्री श्याम रस्तोगी जी जो भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, श्री राकेश गंगवार जी गन्ने के डायरेक्टर हैं नवाबगंज से, हम सब लोग इसी काम से आए थे और अभी हमने इनकी बात माननीय मंत्री आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी से भी कराई। उन्होंने भी इनको अभी डांटा भी और समझाया कि जे मत करो इस तरह से काम। तो माननीय मंत्री जी से बात करने के बाद ही इन्होंने अपने निर्णय को बदला है, तो हम इनका धन्यवाद और स्वागत करते हैं। अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुरेश गंगवार। ये आपके जो घर पे आए हुए हैं ये महेंद्र गंगवार जी हैं और ये रस्तोगी जी हैं, इधर राकेश भाई हैं, ठीक है। ये किस लिए आए हुए हैं? ये माननीय संतोष जी ने भेजे हैं ना। किस लिए? समझाने के लिए। क्या बात थी हुई? धर्म परिवर्तन वाली। रस्तोगी जी हैं, भुजेंद्र जी हैं, राकेश भाई साहब हैं, इनने समझा रहे हैं अगर ये लोग हमारा साथ दे रहे हैं तो सही, मैं अपना अपने स्तर पर हूँ, अगर इन लोगों ने साथ नहीं दिया तब मैं दोबारा वापस लेता हूँ। नहीं नहीं, आपने जो निर्णय लिया है वो निर्णय अब आप वापस ले रहे हैं या? इस समय वापस ले रहा हूँ, ये इस समय वापस ले रहे हैं। फिलहाल सोचने समझने का समय मिल गया है हमको, अभी स्थगित है, अभी स्थगित है, कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी। और अगर ये इन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया समाज ने तो मैं दोबारा अपनी कार्रवाई कर सकता हूँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।